नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यह सवाल अभिभावक मुझसे बार बार करते हैं कि क्यों हम अपने बच्चों को भेजें नवोदय विद्यालय, तो आपके इस सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से देना चाह रही हूँ। देखिए, अगर आप अभिभावक चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर एक अच्छा इंसान बने, सफल नागरिक बने, तो बेझिझक आप अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी से कक्षा बारहवीं के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा यानी कि निःशुल्क पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय विद्यालय है। यहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रहना खाना पीना भी पूरी तरह से मुफ्त होता है, निःशुल्क होता है। बच्चों की रोजमर्रा की जरूरतों का जवाहर नवोदय विद्यालय में पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है और उनकी जरूरतों का सभी सामान उन्हें मुफ्त ही मिलता है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कैंपस होता है, वहाँ पे कक्षाएं, हॉस्टल, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान, मंदिर, खाने खाने की जगह जिसे हम मेस कहते हैं, पुस्तकालय आदि सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद होती हैं। बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि खेलकूद, चित्रकारी, पारंपरिक नृत्य, ड्रामा इत्यादि भी सिखाए जाते हैं और JNV में सभी त्यौहार खूब हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। सभी त्यौहार, सभी धर्मों के त्यौहार। बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों द्वारा 3 भाषाओं में पढ़ाया जाता है, वो है हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं और जो स्टाफ यहाँ का होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ, वह भी बहुत बढ़िया होता है। बहुत मुश्किल परीक्षाओं को पास करके उन्हें यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय में काम करने का मौका मिलता है और समय समय पर इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को स्मार्ट क्लास बोर्ड्स, इंटरनेट, वाईफाई और टैबलेट्स की मदद से भी पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे पढ़ाए गए पाठों और विषयों को बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि केवल पढ़ने से ज़्यादा समझ तब आता है जब हम उस चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं। साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूल से बाहर जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और तो और इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर भी दिए जाते हैं, चाहे वे प्रतियोगिता खेलकूद से जुड़ी हो, विज्ञान से जुड़ी हो या किसी अन्य विषय से। बच्चों के रहने और पढ़ने की जगह को सुरक्षित बनाने के लिए जगह जगह पर CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की गई है। तो मैं आशा करती हूँ इतनी सारी सराहनीय विशेषताओं को जानने के बाद अब आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। साथ ही आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप अभी तक सबकी शिक्षा परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आज सबकी शिक्षा परिवार का हिस्सा बने, सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना पूरी तरह से निःशुल्क है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।